Welcome back to our channel. Let's start with our knitting. Firstly, जो border row बनाते हैं, यानी फंदे, वो सबके लिए अलग use करते हैं, जिसके details यहाँ दिए गए हैं. This is the pattern जो आज हम बनाने वाले हैं, and ये graph के through आप और easily समझ पाएंगे. अब स्टार्ट करते हैं बॉर्डर लाइन से, जिसे हमने पिछले वीडियो पे सिखाया था. आप वो देखकर सीख सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया जाएगा. इसे यहाँ हम बॉर्डर के लिए ब्लू यूज़ किया है और बॉडी के लिए लाइट येलोइश कलर यूज़ किया है. चलिए आपको सीधा पैटर्न बनाना दिखाते हैं. ये पैटर्न का फर्स्ट लाइन है. तो बॉडी के लिए इस तरह से आप धागा को ऐड कर सकते हैं. पैटर्न को शुरू करें, तीन फंदे येलो कलर से सीधे साइड पे बुनें, उसके बाद ब्लू एक फंदा, फिर तीन फंदे येलो से इस तरह पूरी लाइन बुनें. दूसरी लाइन के लिए आप उल्टी साइड से बुनें. पहले का चार फंदा आप येलो बुनें, फिर एक फंदा ब्लू, फिर यहाँ से आपको अल्टरनेट करना है, येलो फिर ब्लू फिर येलो. इस तरह से आप पूरा लाइन कंप्लीट करें. तीसरी लाइन के लिए पहला फंदा येलो, उसके बाद ब्लू, फिर पैटर्न के हिसाब से तीन फंदा येलो और एक फंदा ब्लू, तीन येलो एक ब्लू, थ्रू आउट द लाइन सीधे साइड से बुनते रहें. अब इस लाइन के लिए आपको सेम वही रिपीट करना है. ब्लू फंदे के जगह पे ब्लू से करें और येलो फंदे के जगह पे येलो से करें, जैसे आपने पिछली लाइन पे बनाया था. ये वाला लाइन सिंपल है. आपको एक ही कलर के धागे से यानी येलो से सीधी साइड से बुनते रहना है. सिमिलरली ये लाइन भी आपको एक ही कलर यानी येलो से उल्टी साइड से बुनते रहना है पूरा लाइन. इस तरह का पैटर्न बन के आएगा. अब ये वाला लाइन आपको सीधी साइड से तीन फंदे येलो और एक फंदा ब्लू से बनाते रहना है पूरा लाइन. अब इस लाइन पे उल्टी साइड से पहले आपको दो फंदा येलो देना है, फिर तीन फंदे ब्लू के देने हैं, फिर एक फंदा येलो. अब इसी तरह उसके पास से तीन फंदे ब्लू एक फंदा येलो पूरा लाइन करते रहें. ये वाला लाइन आपको सीधे साइड से बुनना है. जहाँ पे ब्लू फंदे हैं वहाँ पे ब्लू से करें और जहाँ पे येलो फंदे हैं वहाँ पे येलो से करें. इसी तरह से पूरा लाइन कंप्लीट करें.
अब इस वाले लाइन के लिए तीन फंदा येलो का और एक फंदा ब्लू का देते रहे उल्टी साइड से। अब आगे ये दो लाइन पहले की तरह एक ही धागे से कीजिए, पहले सीधी साइड से बुने और दूसरी बार उल्टी साइड से बुने। पहले का दो लाइन कंप्लीट होने के बाद अब इस लाइन पे पहला फंदा येलो और दूसरा फंदा ब्लू दे, इसके बाद तीन फंदा येलो और एक फंदा ब्लू दे। आप मार्किंग के लिए नीचे से भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लू करें, फिर इसके बाद तीन फंदा येलो, फिर एक फंदा ब्लू। ये वाला लाइन आपको उल्टी साइड से बुनना है, वही पहले की तरह। जहां पे आपको येलो फंदा दिखता है येलो कीजिए, और जहां ब्लू फंदा दिखता है वो ब्लू से कीजिए। ये वाला लाइन आपको आगे के दो फंदे येलो, उसके बाद ब्लू, फिर उसको अल्टरनेट करते रहना है, एक ब्लू और एक येलो। इसी तरह से पूरा लाइन बनाते रहिए। ये लास्ट लाइन है पैटर्न का। पहले के तीन फंदे येलो, फिर उसके बाद एक ब्लू, फिर उसके बाद फिर से तीन येलो और एक ब्लू। इसी तरह से पूरा लाइन करते रहे। आपका ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप ये डिजाइन किसी में भी डाल सकते हैं, टोपी, स्वेटर, मोजे, तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं।